अब्दुर बिन ऑफ रिजा तालानु ठीक है बहुत ही वेल नोन बहुत ही जबरदस्त एंटरप्रेन्योर उनको कंसीडर किया जाता था बहुत बेस्ट यानी कि इन्वेस्टर थे वेल्थेस्ट ट्रेडर इनको कंसीडर किया जाता था ऑफ सेवेंथ सेंचुरी इनको जो है बहुत ही सबसे अमीर वहां पर अरब का कंसीडर किया जाता था पर देखिए बिन ओफ, जब इन्होंने हिजरत की और जब हिजरत करके मदीना आए तो इनके पास एक रुपया भी नहीं था सिवाय वो जिसम्पेट के लिबास के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि जब इन्होंने हिजरत कर रहे थे तो इनकी तमाम जमा पूंजी सारी चीजें मुश्किन ने मकाने इनसे छीन ली थी और ये सिर्फ बगैर कोई यानी कि सिर्फ एक लिबास के साथ उन्होंने हिजरत की और वहां पर जब गए तो वो मशहूर आप लोगों को याद है ना जो इसका इनको भा, दो भाई बना दिया गया था ना अखोवत का जो रिश्ता जो दिया गया था मदीने में तो इन्होंने उन्होंने क्या कहा कि मेरे दो घर है आप एक ले लो मेरा मेरे दो बीविया है आप मैं एक को तलाक दे तो आप इनसे निकाह कर ले सकते उन्होंने जो ऑफर दी थी पर उन्होंने क्या कहा अब्दुलरहमान बिन ऑफ रजने के बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो और फिर वहां पर भी उन्होंने बिजनेस किया और फिर बिजनेस करके सबसे फिर क्या है आ, अमीर इंसान वहां पर भी उन्होंने मदीने में फिर से वो बन गए अच्छा अब इनके बारे में देखिए कि जब ये ईमान लाए तो ये थर्टी इयर्स के थे ठीक है जब ये ईमान लाए तो तीस साल के थे तकरीबन तो आप अलैहि वसल्लम से नौ से दस साल ये छोटे हैं बन जहरा से ये बिलोंग करते हैं ओके okay ना और फिर ये भी बहुत ज्यादा की राह में खर्च करने वाले साहबा में से है